राम राम जी, सनातन धर्म की जय। मेरे पॉडकास्ट के अगले एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं दविंदर सिंह राणा जी से। राणा साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। वैसे राणा साहब को तो सभी एज ए पॉलिटिशियन जानते ही हैं, और इनके पॉलिटिकल कैरियर के बारे में भी आप लोग जानते हैं, जर्नी कहाँ से शुरू हुई। आज मैंने कुछ सोचा कि हम लोग सर की उस लाइफ के फेज़ के बारे में जानते हैं जिसके बारे में शायद कई लोग नहीं भी जानते हो, लेकिन जो राणा साहब के पुराने दोस्त हैं वो अच्छे से जानते होंगे। राणा साहब, पॉलिटिकल कैरियर के बारे में, आपके बारे में हमें पता है जो थोड़ा बहुत, कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ रहे, एमएलसी रहे, पॉलिटिकल एडवाइज़र रहे, मीडिया एडवाइज़र रहे, एमएलए भी रहे, अब भारतीय जनता पार्टी में बड़ी अच्छी ओहदे पर भी हैं। सर, एज ए पर्सन आप एक बहुत बड़ी प्रेस्टीजियस मतलब ऑटोमोबाइल कंपनी के साथ भी आपका, मैं जानना चाहूँगा कि सर आपकी जर्नी कहाँ से शुरू हुई, क्योंकि आपने एज एक इंजीनियर स्टूडेंट भी रहे हैं, इंजीनियरिंग भी की है, तो एक इंजीनियर एक पॉलिटिशियन किस तरह से बना? आशीष जी, मेरी बुनियादी जो स्कूलिंग है वो माउंट कार्मल कॉन्वेंट में हुई, फिर उसके बाद केंद्रीय विद्यालय में हुई, और फिर मैं इंजीनियरिंग के लिए यहाँ NIT कुरुक्षेत्र चला गया, और 1986 में मैंने इंजीनियरिंग की। मैं 5 ईयर कोर्स पे गया, क्योंकि 11वीं जमात के बाद 3 कॉलेजेस ही थे कंट्री में जो इंजीनियरिंग का शोबे में लेते थे 5 ईयर कोर्स के उस वक़्त। एक कुरुक्षेत्र था, एक भोपाल था, और एक जयपुर था। और चूँकि यहाँ जब मैंने अपनी 11वीं का एग्ज़ाम दिया यहाँ से, मॉडल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च से, तो क्योंकि 1 साल मैं वहाँ पढ़ा और 11वीं का इम्तहान दिया, तो वहाँ मेरी स्टेट में 3री पोजीशन थी, तो उसकी वजह से मुझे 3ों कॉलेजेस में एडमिशन मिल गई। तो फिर मैंने कुरुक्षेत्र प्रेफर किया, और 1986 में मैं इंजीनियरिंग वहाँ से मुकम्मल की, और 1987 में मैंने अपना कारोबार मारुति के साथ शुरू किया, और अब 37 बरस से मारुति के साथ जुड़ा हूँ, और मेरा बुनियादी जो कारोबार है वो मारुति का है, मारुति की डीलरशिप्स हैं, और 37 साल से मारुति के साथ। बीसी रोड में आपने शुरू किया था काम? सर जी, बीसी रोड से ही शुरू किया था। वहाँ उस वक्त कंट्री में इन्होंने नए 20 ऑथराइज सर्विस स्टेशन खोले, और ये एक नया कॉन्सेप्ट था, और उसमें उन्होंने कुछ यंग एंटरप्रेन्योर्स लिए, कुछ कॉरपोरेट हॉन्चोज लिए, कुछ पब्लिक सेक्टर के लोग और कुछ प्राइवेट सेक्टर के लोग। एक पायलट प्रोजेक्ट जैपनीज ने शुरू किया था, जिसमें 20 पूरे हिंदुस्तान में ऑथराइज सर्विस स्टेशन लगाए, और एक जम्मू में मुझे भी मिला, और उसके बाद चूँकि परफॉर्मेंस अच्छी थी तो डीलर भी बने पठानकोट में, फिर कांगड़ा में डीलर बने, फिर यहाँ पे भी डीलर बने। तो माता वैष्णो देवी की कृपा से और हमारी टीम के साथ एक मारुति का अच्छा एस्टेब्लिश्ड काम हुआ, और एक आला परफॉर्मेंस कंसिस्टेंटली पिछले 20-25 साल से रही है मारुति में, जिसकी वजह से आज जम्मू हिंदुस्तान के टॉप 5 ऑटोमोबाइल डीलर्स में से हमें शुमार किया जाता है। और जिन लोगों ने आपके साथ में काम किया हुआ है वो ये भी कहते हैं कि राणा साहब हमारे साथ भी काम में आ जाते थे, मतलब कभी कभी। नहीं, मैं जब मैं इंजीनियरिंग करके यहाँ आया तो बुनियादी तौर पे मैं सिविल इंजीनियर हूँ, मैं मैकेनिकल इंजीनियर नहीं था, तो सिविल इंजीनियर हूँ, और नौकरी नहीं की, और परिवार में मेरे वालिद मोहतरम जो थे वो चाहते नहीं थे कि मैं इंजीनियर बनूं, क्योंकि वो कहते थे कि इंजीनियर्स बहुत ज़्यादा हैं, और वो खुद जो आज कल IIT बनारस है, उसमें बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, वहाँ से 1954 में उन्होंने इंजीनियरिंग की थी, और वो चाहते थे कि मैं वकालत करूँ और एडवोकेट बने। हाँ, वो चाहते थे वकालत करूँ, उनका बड़ा शौक था कि बालट लॉ करूँ, तो
वो, लेकिन मैं इंजीनियरिंग कॉलेज चला गया। इंजीनियरिंग कॉलेज के बाद नौकरी करना नहीं चाहता था, मुझे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में उस वक्त कैंपस इंटरव्यू में नौकरी भी मिली, तो वो करना नहीं चाहता था। तो यहाँ कारोबार शुरू किया और कारोबार में माता वैष्णो देवी की कृपा से वो मारुति में एक ओपनिंग आई और उस ओपनिंग की वजह से हमने यहाँ किया। तो जब मैं यहाँ कर रहा था तो मुझे याद है कि मोहतरम गुलजारी लाल डोगरा जी आए मुबारक देने, क्योंकि वो हमारे बुज़ुर्ग थे और वो मेरे पास आए बीसी रोड में। काफ़ी लोग आते थे मुझे देखने, वो एक नया किस्म का काम था, वो बिल्कुल मॉडर्न एक सेटअप था और एक एक्सपेरिमेंट था। तो मारुति भी बड़े ध्यान से उसको देख रही थी। तो गुलजारी लाल डोगरा साहब तशरीफ़ लाए। गुलजारी लाल डोगरा साहब बड़े एक विजनरी थे और मेरे पे उनकी बड़ी ब्लेसिंग्स भी थी। तो वो फादर के साथ उनके बड़े अच्छे संबंध भी थे। तो वो आए तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप एक डांगरी बनवा लीजिए। तो मैंने उनसे कहा कि डांगरी की क्या ज़रूरत है मेरे पास। कहने लगे नहीं, आप फ्लोर पे उतर जाइए और काम करिए, काम को सीखिए और इन लोगों के बीच में जाइए। तो वो बड़े विजनरी थे। तो मैंने उनसे कहा कि साहब क्या ज़रूरत है सर मुझे डांगरी पहनने की, मेरे पास यहाँ जनरल मैनेजर्स हैं, ट्रेन लोग हैं और एक इतने उस वक्त तकरीबन कोई कुल मिला के कोई 70 लोग थे उसमें। अच्छा, आज तो माता वैष्णो देवी की कृपा से तकरीबन 5,000 मुलाजिम काम करते हैं हमारी कंपनी में। उस वक्त कोई 70 के करीब लोग थे, 65 के करीब लोग थे, शायद 70 ही थे, 69-70 थे। और मैंने उनसे कहा कि ये सब लोग हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप डांगरी पहन लीजिए और खुद गाड़ी में घुस जाइए तो आप समझ जाएंगे। तो मैंने उनसे कहा मैं सिविल इंजीनियर हूँ। उन्होंने कहा सिविल इंजीनियर बाई ट्रेनिंग हैं, लेकिन आप मैकेनिकल इंजीनियर बन जाएंगे। और उनकी वो सीख जो थी वो मैंने अडॉप्ट की और मैं गाड़ी के सारे सिस्टम में अंदर घुस गया। आपने खुद फिर काम सीखा भी और लोगों के साथ काम करता था और बैठता नहीं था मैं। तो उससे ये हुआ कि एक इस बिजनेस की जो फंडामेंटल्स हैं उनका ग्रिप जो है वो मेरे हाथ में आया। और इतना हुआ डोगरा साहब की वो ऐसी हिदायत थी कि जो जापानीज हमारे चेयरमैन हैं इस वक्त भी ओसामू सुजुकी, वो आज तक जब मुझसे मिलते हैं तो वो मुझसे कहते हैं ओह द मैन विद द डांगरी फ्रॉम कश्मीर। सो उनके दिमाग में मेरा वो डांगरी का इमेज जो है, और वो डांगरी का इमेज जो है वो बहुत प्रचलित हुआ। और 93 में जब मैं एक्सचेंज स्कॉलर के तौर पे हार्वर्ड और MIT गया, तो जिस वक्त वहाँ वो रिटेल बिजनेसेस पे एक रिसर्च की, तो वो मेरा जो पेपर था वो वॉलमार्ट पे था। वॉलमार्ट वो उस वक्त डाउनटाउन बेनिंगटन एक जगह थी, डाउनटाउन बेनिंगटन के वो जो मेरा पेपर था वो रिसर्च पेपर वो था डाउनटाउन बेनिंगटन में। डाउनटाउन से शिफ्ट होके ये वॉलमार्ट स्टोर्स वगैरह खुल रहे थे उस वक्त, नई रेवोल्यूशन थी 93 में अमेरिका। तो उसमें जो रोल ऑफ अ मैनेजर था उसमें मैंने इस डांगरी के एक्सपीरियंस का उसमें जिक्र किया और उस पर मुझे बहुत ज़्यादा उस पर सवाल जवाब और लोगों का था। और मैं नहीं कह रहा कि मेरी वजह से हुआ, लेकिन जब वो रिपोर्ट सबमिट हुई तो काफ़ी वो जो उसके सेलियंट पॉइंट्स वहाँ अडॉप्ट किए गए उस डिस्कशन में, उसमें एक ये भी था कि यूनिफॉर्म, वो तो वैसे भी मारुति में सभी लोग यूनिफॉर्म पहनते हैं, कि यूनिफॉर्म पहन के मैनेजर्स शुड बी ऑन द फ्लोर एंड बी विद द पीपल, उससे काफ़ी अच्छा रहता। तो ये ज़िंदगी का सिलसिला चला, 37 साल हो गए सर तब से। अब आप पॉलिटिक्स में, और पॉलिटिक्स में आने के बाद पिछले 25 साल से अब जाने होता है अपने बिजनेस, 25 साल से मैं बिजनेस से बाहर हो गया हूँ और अब प्रोफेशनल्स चलाते हैं और बिजनेस जो है वो मेरी अहलिया जो हैं उसको यहाँ देखती हैं और इरफान हैं जो उस कश्मीर में देखते हैं। तो वो कश्मीर के यूनिट के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और मेरी अहलिया जो हैं वो पूरे बाकी का नेटवर्क जो है उसकी मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। तो मेरा रोल जो है
वो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि मैं तो अब पैरासाइट हूँ, पैसे मांगता हूँ उनसे कि भैया मेरी तनख्वाह दे दो और मेरे खर्चे चला दो, अब मैं कुछ नहीं करता, वही कर रहे हैं, लेकिन दे डूइंग वेरी वेल। जब आपने कहा आज ही इनफैक्ट आपने देखा होगा अखबारात में कि अंतालिया में अभी कॉन्फ्रेंस हुई और 8 अवार्ड्स आज हमें मिले और रॉयल प्लैटिनम 2000 वो भी ओमेगा इंडेक्सा, तो बड़ी अच्छी परफॉर्मर, कंसिस्टेंटली हम लोग हर साल बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, माता वैष्णो देवी की कृपा से और मारुति की कृपा से बहुत अच्छा। आपके साथ जो लोग काम, उसके साथ अब हम टाटा के भी डीलर्स हैं, टाटा कमर्शियल के और हीरो मोटरसाइकिल्स के, हार्ले डेविडसन, तो ऐसा सिलसिला चला, परमात्मा ने शुरू करवाया और परमात्मा की कृपा से माता वैष्णो देवी की कृपा रही तो ये निकल गया। आपने जब काम शुरू किया तो आपके साथ कुछ ऐसे लोग आज तक जुड़े हुए हैं जो आपके साथ शुरुआत से हैं? मेरे साथ बहुत लोग हैं जो 37 साल से मेरी कंपनी में हैं, जो मेरे पहले कुलीग थे वो सरदार कुलदीप सिंह थे, तो मेरे दोस्त भी हैं तो वो भी साथ ही हैं, और कई लोग हैं, मतलब अगर आप देखें तो मेरे पास इस वक्त भी जो लोग काम कर रहे हैं 25 से 30 साल मुझे कोई ज़्यादा ध्यान नहीं आता, जो पुराना लॉट है उसमें से कोई लोग गए नहीं हैं, वो साथ ही हैं। ओके सर। और हमारे पास ऐसे ऐसे लोग हैं जो इस वक्त टचिंग 90 हैं, जो हमारे सीईओ हैं यहाँ उधमपुर के कर्नल डीबी शर्मा, ही इज़ टचिंग 90, कांगड़ा के जो सीईओ हैं वो अबाउट 85 हैं, और 35 साल से हमारे साथ हैं, पठानकोट में ही जो कर्नल साहब हैं वो भी कोई 80s में हैं और वो भी 35 साल से। आपके सर फैमिली की बात करें, राणा परिवार से हैं, बड़ा नाम है आपके परिवार का, आप थोड़ा सा शेयर करेंगे आपके दादाजी के बारे में, क्योंकि पिताजी के बारे में सब जानते हैं आपके। मैं हम लोग मरमत के रहने वाले हैं, मरमत घलियान के रहने वाले हैं, ये हमारा जो परिवार था ये बुनियादी तौर जब महाराणा प्रताप का वहाँ हार हुई तो हमारे लोग जो हैं वहाँ से काफ़ी लोग निकले और आके हिमाचल में बस गए, और हिमाचल से में हमारे लोग जो थे चंबा में बस गए, और उसके बाद चंबा से निकल के दो राणे फैमिलीज थी जो राजस्थान मेवाड़ से आई थी, जो डोडा में आ गई, ओरिजिनली दो ही राणा फैमिलीज हैं जो आई, एक त्रौन के राणाज हैं, उनके बेटे जो हैं वो रिटायर हुए टेलीकॉम में से चीफ इंजीनियर रिटायर हुए, वो हमारे रिश्तेदारी में हैं, और एक मरम्मत वाले हमारे लोग थे, और उस परिवार में हमारे यहाँ 12-13 पुश्तों तक आखिर राणा फतेह सिंह थे, जिस तक वहाँ एक छोटा सा वो रहा हमारा, एक जागीर टाइप रही वहाँ, असर से ले कर बगर तक सारी हमारी जागीर थी, और वहाँ हमारा एक छोटा सा किला था, और 12 बंदूकचिए थे, तो बहुत बड़ी बात होती थी कि 12 बंदूकचिए हैं, और आप तो जानते होंगे जनरल जोरावर सिंह जी जो थे उनको मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर राणा धर्म सिंह जी उस वक्त पहचान के हरिद्वार से लाए थे, और उन्होंने हमारी मुलाजमत की, वो हिस्ट्री का हिस्सा है, और वो ट्रेनिंग उनकी वहाँ हुई और वो वहाँ काफ़ी देर मुलाजमत करते रहे, उसके बाद वो महाराज साहब के दरबार में गए, तो उनकी जो इनिशियल ट्रेनिंग और ग्रूमिंग थी, जब वो उनकी स्पॉटिंग भी हमारे ग्रेट ग्रैंडफादर राणा धर्म सिंह ने की और उनको लाए और वहाँ किया, और फिर उसके बाद ये जब यहाँ आ गए तो ये शाह शुजाफ ईरान जब अफगानिस्तान जब वो थे अज्ञातवास में थे, वो भी हमारे किले में आके रहे, और अज्ञातवास में जब वो थे इन एग्जाइल थे तो वो रहे, वो भी तारीख का एक हिस्सा है, और जब जनरल जोरावर सिंह ने एक्सपीडिशन की जो लद्दाख में, तो जहाँ जहाँ से वो गुजरते गए वो उन इलाकों को
महाराज साहब की फौज के साथ जोड़ते गए, महाराज साहब की सल्तनत के साथ तोड़ते गए, लेकिन उन्होंने हमारे इलाके में वो नीचे से गए चिनाब के साथ साथ, और उन्होंने हमारा इलाका छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि ये वो क्या उनके लिए कोई मुश्किल नहीं थी, 12 बंदूक चाहिए क्या होते हैं महाराज साहब की फौज के सामने, जनरल जोरावर सिंह की फौज के सामने, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं मैंने इनका नमक खाया है, तो वो वहाँ से छोड़ गए। फिर जब उनका हादसा हुआ तो उसके बाद फिर वो हो गए, और राणा गोपाल सिंह थे मेरे दादा वो, और वो उस ज़माने में उन्होंने 10वीं पास की, और उनका ही जहन था कि वो गांव से निकल आए, और ज़मीनें जो थी क्योंकि वो ओनली सन थे और राणा धर्म सिंह भी ओनली सन थे, तो राणा धर्म सिंह महाराज प्रताप सिंह जी की फौज में थे, एडमिनिस्ट्रेशन में थे, और कश्मीर में राइट्स हुए तो उनको एडमिनिस्ट्रेटर भी लगाया गया था, और राणा गोपाल सिंह ने 10वीं पढ़ी, और उस ज़माने में 10वीं बहुत होती है, तो फौज में जाने का था, फौज नहीं गए। उनके जो ससुर थे कर्नल बसाखा सिंह थे जनरा के, तो उन्होंने भी उस वक्त उनसे कहा कि फौज जाएँ, तो वो फौज नहीं गए। उनको शायरी का बड़ा शौक था, अच्छा, और वो लिखते भी थे, गोपाल सिंह तालिब के नाम से लिखा करते थे उर्दू शायरी का उनको, और पर्शियन के बड़े स्कॉलर थे, और फिर लेकिन उन्होंने एक बड़ी उम्र में जाकर उन्होंने श्रीनगर आए, हमारे श्रीनगर में बटमालू में कोई 12-15 कनाल जगह थी, तो वहाँ वो बटमालू में आ गए, क्योंकि उनके जहन में ये था कि पढ़ाई बड़ी ज़रूरी है, वो विजनरी थे। उन्होंने कहा कि अगर हम ज़मीनों पर रहे तो ये एक दिन आएगा कि ज़मीनें, तो वो ज़मीनें शमीनें वहीं छोड़ के मुलाज़मों के पास वो श्रीनगर आ गए, और 1932 में मेरे वालिद जो हैं वो श्रीनगर में ही पैदा हुए, बटमालू में हमारी जगह थी कोई 12-13 कनाल, वहाँ पे हमारा छोटा सा मकान था और वहाँ पे पले, और तो वहाँ पे ही फिर मेरे ग्रैंडफादर जो थे उन्होंने जो मेरी इनिशियल फादर की ट्रेनिंग थी वो स्कूलिंग जो थी वो टिंडल बिस्को श्रीनगर में हुई, मेरे फादर वॉज बॉर्न देयर। और लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उनका विजन इतना था राणा गोपाल सिंह जी जो मेरे ग्रैंडफादर थे कि उन्होंने उनकी जो मेरी दादी थी वो बहुत बड़े घर से थी, क्योंकि कर्नल बसाखा सिंह जंद्रा के थे उनकी बेटी थी, और उस ज़माने में दो ही कर्नल होते थे फौज में, एक ब्रिगेडियर जनरल और दो कर्नल, तो बहुत बड़े ख़ानदान से थी। तो जम्मू में मकान नहीं था हमारा, श्रीनगर में था, तो जम्मू में जब आते थे तो यहाँ जंद्राइया के मोहल्ले में वो मेरे फादर के नाना के कच्चे मकान थे पकड़ंगा में, तो वहाँ रहा करते थे। और मेरे फादर फिर मेरे ग्रैंडफादर ने सबसे बड़ी बात यह है कि मेरी बुआ को पढ़ाया, अच्छा, उस ज़माने में बुरका पहन के उनको पढ़ाया, जो बाद में जिनकी शादी कनक करतार सिंह जी जो प्रेसिडेंट भी हुए राजपूत सभा के, कनक करतार सिंह जम्वाल भलवाल के, उनसे हुई, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली उनकी चाइल्ड बर्थ के फर्स्ट चाइल्ड बर्थ के बाद ही उनकी डेथ हो गई, और उस वक्त कैप्टन करतार सिंह जम्वाल थे, तो उनकी डेथ हो गई। लेकिन उनको पढ़ाया उस ज़माने में, बुरका डलवा के बाकायदा वो पढ़ाया, और उनका इतना था कि उन्होंने एक उम्र उनकी 44-45 हो गई और मुलाजमत कोई नहीं थी, और उन्होंने एक सरकारी अदारा था उसने एक छोटी सी नौकरी की, क्योंकि पहले तो आराम से ज़िंदगी गुजारी, शायरी भी करनी, घर से अनाज आता था, काम कोई नहीं किया, लेकिन एक स्टेज आई जब उनको लगा कि पढ़ाई होनी चाहिए, और उनको मतलब नौकरी उन्होंने की, और बड़ी छोटी मुलाजमत की सिर्फ इसलिए कि बच्चे जो हैं वो वहाँ पढ़ रहे हैं और मैं भी कुछ करूं। और फिर यहाँ गांधी ये रिहाड़ी में, न्यू रिहाड़ी में अगर आप देखें वो जो बड़ी कॉलोनी है जहाँ नीचे सेक्रेटरीज वगैरह रहते हैं, तो ऊपर जो है वहाँ पर 1935
टू में मेरे फादर की बर्थ हुआ, 34-35 में वो प्लॉट अलॉट हुए, वो तो मेरे ग्रैंडफादर ने वो प्लॉट लिया था, पार्क भी आपके फादर पार्क साथ बाद में, तो वहाँ हमारी कोठी थी फिर वहाँ, नहीं तो उससे पहले हमारा मकान नहीं था, वो जब जम्मू आते थे तो हमारे वो मेरे फादर के नानिहाल में करनाल साहब के कच्चे कोट से जनराइय मल्ला उसी आखते थे, आज भी है उत्थे जनराइय मल्ला पकड़ के उत्थे रोंदे हे, ते जम्मू मकान नहीं था, फिर जम्मू उत्थे मकान बनाया, और 54 में फादर ने इंजीनियरिंग की बनारस से, उन्होंने जब एफए की तो उनकी पोजीशन आई यहाँ पे, और उनको एडमिशन मिली, लेकिन मेरे फादर ग्रैंडफादर ने कहा कि नहीं ये केवल एफए से नहीं बीए होना चाहिए, तो फिर बीए करने के बाद फिर इंजीनियरिंग के लिए भेजा, कि उस ज़माने में ये था कि बीए ज़रूर होनी चाहिए, तो उनकी टेंथ में भी उनकी लाहौर यूनिवर्सिटी में बड़े आला नंबर उन्होंने लिए थे, उस वक्त पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर होती थी, और एफए में भी गए, तो ही वॉज़ अ ब्रिलियंट स्टूडेंट, वो फिर बनारस गए, बनारस इंजीनियरिंग कॉलेज की यूनियन के वो इलेक्टेड वाइस प्रेसिडेंट भी बने, और फिर उन्होंने यहाँ 54 में पास आउट करके 50-54 वो बनारस में रहे आए, और हम तीन भाई हैं जैसे आप जानते हैं, और तीनों एजुकेटेड प्रोफेशनल एजुकेटेड हैं, बड़े आप जानते हैं डॉक्टर हैं, मेडिकल डॉक्टर हैं, दूसरे इंजीनियर हैं, और मैं भी इंजीनियर हूँ, ये हमारा स्ट्रक्चर आपने है छोटा, आपने जब और जो मेरी मदर हैं वो भी वहाँ कास्तीगढ़ है, वहाँ गुहुआ वहाँ की रहने वाली हैं, वहाँ इनके फादर जो थे वो एक बहुत बड़े उस इलाके के बहुत बड़े सब लेसी थे, जो ब्रिटिश कंपनीज थी और जो बड़ी बड़ी ये कंपनीज थी फॉरेस्ट के जो थे उनके थे, तो वक्त के साथ मतलब उनका भी बड़ा खूबसूरत वहाँ मकान है 1920-22 का, मतलब एक बहुत बड़े सीनियर लीडर हैं, जब वो गए तो उन्होंने देखा तो उन्होंने पूछा कि वो कहाँ से, तो नकाश उस वक्त आए थे लाहौर से आए थे उसकी नकाशी करने के लिए, और ईंट बनी उसकी, तो मतलब वो तो वो मेरी मदर जो है ये ओनली डॉटर थी, ओनली चाइल्ड थी, तो ये उस तरह से। तो राणा सर, जब आप पॉलिटिक्स में आए, नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ आपने शुरुआत किया अपना पॉलिटिकल करियर, तब कभी ऐसा नहीं लगा कि आप जम्मू से हैं और आप एक कश्मीर की पॉलिटिक्स पॉलिटिकल पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं? नहीं, मैं एक्चुअली जो पॉलिटिक्स में भी आया वो बिल्कुल एक एक्सीडेंट ऑफ पॉलिटिक्स था, कि मतलब जिस वक्त मैं पॉलिटिक्स में आया तो फारूक अब्दुल्ला साहब जम्मू में कोई एक टैलेंट चाहते थे जो उमर अब्दुल्ला साहब के साथ काम कर सके, और उन्होंने मेरा ये चयन किया, और मैंने उनसे कहा कि मैं अपना कारोबार नहीं छोड़ूंगा, मैं क्योंकि एक प्रोफेशनल हूं और मैं अपना काम करता रहूंगा, तो उन्होंने मुझसे कहा कि तो मैंने उनसे कहा कि मैं ये जो इलेक्शंस हैं 2002 की, मैंने उसमें उनको कहा कि मैं उतनी देर ही काम करूंगा जब तक ये इलेक्शन उसके बाद मैं घर चला जाऊंगा। उन्होंने आपको अप्रोच किया कि भाई आप आइए? उन्होंने मुझसे कहा, क्योंकि मेरा उस वक्त एक यहाँ प्रोफाइल था, मैं जम्मू कंज्यूमर्स काउंसिल का यहाँ सेक्रेटरी जनरल बन गया था 21-22, तो उस वक्त चूँकि यहाँ पे गवर्नर्स रूल था तो एक मूवमेंट थी, तो उसमें वो एक मूवमेंट जो थी जम्मू कंज्यूमर काउंसिल एक बड़ा पावरफुल अदारा था, वेद भसीन एडिटर इन चीफ कश्मीर टाइम्स थे, वो चेयरमैन थे, जनरल जगदीश जम्वाल थे वो थे उसमें, लाला द्वारकानाथ गुप्ता थे, एमएम खजूरिया साहब थे, और साधक भट्ट साहब थे, सरदार तेजा सिंह जी थे, और बड़ी बड़ी शख्सियत थी उसमें, प्रोफेसर एमएल कपूर साहब हुआ करते थे वो थे, और काफ़ी इम्पॉर्टेंट लोग जो थे उस वक्त सिविल सोसाइटी के, वो उसके मेंबर थे, और मैं सबसे छोटा था वहाँ, मेरी एज मनाने के बाद वहाँ एवरेज एज जो थी वो 60 बनती थी, तो मुझे वो उसमें काम करने का मौका मिला। आपने कहा और वो जब काम किया तो उसमें एक रिकग्निशन भी हुई, और काफ़ी जम्मू में उस वक्त 5-6 साल जब गवर्नर रूल रहा तो हमारा एक बड़ा अहम रोल रहा टू बी अ ब्रिज
between the population and the governor's administration. Militancy थी तो उसमें हमने काफ़ी काम किया जिसमें और समझा जाता एक पावरफुल ग्रुप के तौर पे इमर्ज हुआ वो कंज्यूमर काउंसिल तो उसका एक प्रोफाइल था तो ये ढूंढ रहे थे तो उस वक्त इनको और फारूक साहब को मेरे बारे में हमेशा ही बड़ा उस वक्त अच्छा एक इम्प्रेशन था तो उन्होंने मुझसे कहा तो मैंने काम किया और आपका एक बड़ा कैरियर काम करने के, लेकिन हुआ ये कि वो इलेक्शन उमर अब्दुल्ला साहब हार गए तो जब मैंने कहा था कि मैं चला जाऊंगा तो मैंने उनसे फिर उन्होंने मुझसे कहा टू बी फेयर उन्होंने कहा कि आपने तो कहा था कि मैं जाऊंगा तो आप जाएं तो मैंने उनसे कहा कि चूंकि आप हार गए हैं तो अब मैं नहीं जाऊंगा जब आप जीते होंगे तो मैं जाऊंगा हारे हुए जाना ठीक नहीं लगेगा तो फिर आप उनके साथ फिर लग गए तो आप उसके बाद एमएलसी बने तो दो बार एमएलसी बने तो आपने फिर क्या सोच लिया कि अब मैं पॉलिटिक्स में ही रहूँगा पॉलिटिक्स अब फिर पॉलिटिक्स में लग गए फिर और 2009 के बाद तो फिर बिल्कुल ही सियासत ही हो गई सबको छोड़ दिया आपकी ज़्यादा मतलब बड़े लोग ये जानना चाहते हैं कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के साथ आपकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी कि उमर साहब के साथ नहीं वो अंडरस्टैंडिंग तो देखिए ठीक ही थी उसमें कोई ऐसी बात नहीं है मतलब अगर पीछे देखा जाए तो ये कहना कि अंडरस्टैंडिंग नहीं थी दोनों ही मेरी बड़ी कदर करते थे और मैं भी उनको पूरा सिंसियरली और डिवोशन काम करता था और लेकिन कुछ लोग थे नेशनल कॉन्फ्रेंस के कश्मीर के जो ये पसंद नहीं करते थे कि कोई एक पावरफुल वॉइस जम्मू की हो और उन पे उनको हमेशा से इतराज़ था लेकिन मैंने उस चीज़ की कभी परवाह नहीं की क्योंकि फारूक अब्दुल्ला साहब और उमर अब्दुल्ला मुझे सपोर्ट करते थे परेशानी तब बनी जब उमर अब्दुल्ला साहब जो थे और वो उनके आसपास कुछ साथी थे जो साथी जो थे वो उन्होंने उनके जहन में एक ऐसा वेब कास्ट कर दिया कि वो कहीं ना कहीं इनटॉलरेंट हो गए टुवर्ड्स जम्मू और उनको लगा कि हर बात जो जम्मू के हक में की जा रही है वो शायद भाजपा स्पॉन्सर्ड है जो ठीक नहीं था उनको लगता था कि हर बात जो की जा रही है तो काफ़ी परेशानी रहती हुई हमने ये भी सुना उसमें जाऊंगा नहीं हमने ये भी सुना है कि कई बार आप जो है अंदर मतलब झगड़ पड़ते थे जब आपको लगता था कि जम्मू के विरुद्ध कुछ हो रहा है देखो तो चाहे वो बाहर नहीं आता था मीडिया में देखिए बात ये है कि जहाँ तक जम्मू की बात है तो उस पर मैंने कॉम्प्रोमाइज कभी नहीं किया और कश्मीर की जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप थी मैं नाम नहीं लूँगा कुछ लोगों का वो बड़े इनटॉलरेंट लीडरशिप है जो जो ये समझते हैं कि बिल्कुल कन्फाइन करते हैं वो अपने आप तक ही चीज़ों को और लेकिन मैंने कभी परवाह नहीं की जो बात थी वो खुलेआम मैं कहता था और जो कश्मीर का हमारा वर्कर भी था नेशनल कॉन्फ्रेंस का वो मेरे पे बड़ा भरोसा करता था क्योंकि वो लोग ये समझते थे कि ये काम करता है और हमने हमेशा ही अप्रोच रखी पॉलिटिक्स में कि चूँकि सब कुछ छोड़ के अगर हम पॉलिटिक्स में आएँ तो लोगों की सेवा होनी चाहिए लोगों के हित के काम होने चाहिए और लीडरशिप का पूरा सपोर्ट था और हिम्मत थी तो हमने एक ही एजेंडा पे चले नो कॉम्प्रोमाइज ऑन जम्मू मैं हमेशा कहा करता था कि एक लाइन है उस लाइन तक आप जितना मर्जी मुझे ड्रैग करें लेकिन उस लाइन को क्रॉस करेंगे ये आप भी करेंगे तो मैं नहीं रहूँगा मैं नहीं करूँगा तो मैं नहीं रहूँगा वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा उस बात पे अदरवाइज कोई ऐसी परेशानी नहीं मैं बिल्कुल एक अच्छे पार्टी वर्कर की तरह काम करता था और बड़े डिवोशन के साथ और लीडरशिप का भी मेरे में एतमाद था और था क्यों लेकिन 5 अगस्त 2019 के बाद और थोड़ा उससे पहले थोड़ा जब वो आपको याद होगा हमारा हरी सिंह जी का इशू हुआ फिर वो जब एक हमारे नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथी थे फिर मेंबर पार्लियामेंट में रहे उन्होंने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया तो उस पे जो मेरा स्टैंड रहा वो बड़ा वोकल रहा
क्योंकि नॉर्मली जो डिसेंशन होती थी विद इन द पार्टी होती थी, हमने कभी बात नहीं की और उसमें कभी मुझसे, टू बी फेयर, मुझे ना डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने उस वक्त कभी क्वेश्चन किया, हालांकि काफ़ी कश्मीर के जो नेता थे वो बहुत कुछ कहते थे, लेकिन नामालूम परिस्थितियों में 5 अगस्त 2019 के बाद से जब मैं गया यहाँ से डेलीगेशन लेके फारूक अब्दुल्ला साहब और उमर अब्दुल्ला साहब को मिलने, जेल में थे वो, हम यहाँ से रिहा हुए जब, तो डिटेंशन से, तो जम्मू के हम साथी जब गए तो उसी दिन से उन्होंने कुछ, उनको लगता था कि नहीं भाजपा भाजपा की जब भी कोई बात की जाती तो भाजपा, क्योंकि आपका एक इंटरव्यू जो बहुत चलता है आज भी चलता है, उसको अगर आप ये देखें तो मैंने ये कहा कि मोदी साहब की जो नीतियाँ हैं उसी पे सब कुछ खड़ा है। उस वक्त मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस का यहाँ था तो इस इलेक्शन में लोगों ने बहुत चलाया, तो मैं ये कहता था कि लोगों को मोदी साहब से प्यार है। और जब मैंने भी 2014 की इलेक्शन लड़ी तो मैंने यही कहा, क्योंकि मोदी साहब का एक लार्जर देन लाइफ इमेज था। तो हम जो बात कर रहे थे, हम ये नहीं इसलिए नहीं कर रहे थे कि कोई हम भाजपा के साथ मिले हुए थे, लेकिन बात यह है कि तथ्यों की बात थी। एक नई दिशा और एक नई दशा की तरफ देश जा रहा था, और प्रधानमंत्री, मेरा ये मानना था, उस वक्त भी मानना था, कई आपके भी इंटरव्यूज में मैंने ये कहा, प्रधानमंत्री सबके हैं, सांझे हैं, और प्रधानमंत्री और उनका एक वर्ल्ड इमेज था। और फिर कुछ बातें हुई जिनका मैं जिक्र नहीं करना चाहता, जहाँ मुझे लगता था कि लीडरशिप को क्रिटिसिज्म जो है वो सिर्फ जहाँ नेशन का इंटरेस्ट आता है वहाँ क्रिटिसिज्म नहीं होना चाहिए। इन शॉर्ट सर, और जब और ये ऐसी बात नहीं है कि मैंने ये बातें जो हैं ये मैं आज आपसे कर रहा हूँ और उस वक्त नहीं की, ये उनसे भी की, और लीडरशिप जानती है कि ये बातें मेरी हुई। और जो जनरली ये इम्प्रेशन ये है कि शायद मैंने ही उस वक्त साइड ली, लेकिन मुझे लगा कि लीडरशिप इतनी ज़्यादा अनकम्फर्टेबल थी मेरे इस जम्मू स्टैंड पे कि वो बार 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 रिपीटेडली 3-4 साल ये जो था ये अब चलता रहा। अब आप भाजपा में और वो इनटॉलरेंट हो गए, मतलब पार्डन माय सेइंग कि कुछ लोग थे जिन्होंने ये घेरा डाल के उनके जहन में ये डाल दिया कि ये जो जम्मू की बात करता जो मैं पहले भी करता था, उन्होंने कहा कि ये कर रहा है ये भारतीय जनता पार्टी। पहले भी मुझे वो जब मैं श्रीनगर में भी काम करता था वो कहते थे मोटलाल शुद्ध तिलक धारी वो तिलक धारी, वो एक बायस है कुछ लोगों का, लेकिन वो कश्मीरी आवाम बहुत अच्छा है, वो उनको कोई परेशानी नहीं, वो बेचारे अपना काम कराने मेरे पास ही ज़्यादा आते थे, लेकिन लीडर हैं वहाँ कुछ और आज भी हैं वो, जिनका बड़ा एक जो फासिस्ट एटीट्यूड है और जिनका बड़ा एक नेगेटिव कम्युनल एटीट्यूड है, एंड आई एम नॉट सेइंग दिस अबाउट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला एंड उमर अब्दुल्ला, लेकिन उनके कुछ लोग हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि जो एक स्टेज आ गई कि उमर साहब शायद उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित होके वो उनकी बात पे ज़्यादा यकीन करने लगा। फिर मुझे लगा कि बार बार अगर यही सुनना है और यही कहना है कि हर बात जो हम करते हैं वो भाजपा है, मतलब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को मैंने चिट्ठी लिखी तो मुझसे कहा गया कि ये नागपुर से ड्राफ्ट आया है, तो मैंने कहा ये डिक्टेट मैंने किया तो अगर नागपुर से ही ड्राफ्ट आया है तो दैट मीन्स मेरा माइंड ही नागपुरी हो गया है। तो मैंने कहा कि बार 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 जब ये नागपुरी है तो फिर नागपुरी क्यों ना जाया जाए। सर, अब आप भाजपा के साथ जुड़े हुए हैं तो आपको ये लगता कि जो चीज़, मतलब जो इस समय हो रहा है या जो चीज़ें की जा रही हैं, ये चीज़ें आज अगर कश्मीर की पॉलिटिक्स की बात करें, सपोज़ हुर्रियत के ऊपर शिकंजा कसा गया, सेपरेटिज्म ख़त्म हुआ, पत्थरबाजी ख़त्म हुई, कश्मीर की लीडरशिप चाहती है ये करना, लेकिन उनका जो एक नहीं, अपना नहीं, एक अप्रोच नहीं, है नहीं, नहीं 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 मैं इसमें बिल्कुल क्लियरली कहूँगा, आपने कहा कश्मीर की लीडरशिप चाहती है, माफ़ी चाहता हूँ, वो नहीं चाहते, लैक ऑफ विल तो है। 2009-2010 के हालात आप देखिए, बिल्कुल सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल थी, लाशें सड़क पे गिर रही थी, रोज़ 5 से 10 लोग, रेट ऑफ द गवर्नमेंट नहीं चलती थी, कमज़ोर दिल्ली था, कॉम्प्रोमाइजिंग दिल्ली था, और जो कश्मीरी लीडरशिप है, मैं आपको बता रहा हूँ, 2009-2010 में एक बार
एक नेता हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के, मैं उनका नाम लेना मुनासिब नहीं समझूंगा, बड़े सीनियर नेता हैं, उन्होंने एक सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग में सीआरपीएफ की बड़ा क्रिटिसिज्म किया। तो उस जमाने के एक बड़े सीनियर पुलिस ऑफिसर ने उसी मीटिंग में जब बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म, उन्होंने कहा कि साहब हम किसी आदमी को अगर पकड़ते हैं तो शाम को आप ही थाने में टेलीफोन करके तो 10-10 लोगों को छुड़वाने आ जाते हैं। और काफ़ी लोग जो थे वो कहीं ना कहीं सिंपथाइजर्स थे, और वो लोग जो थे वो, और ये मैं टॉप लीडरशिप का नहीं कह रहा कि वो, मैं गलत होगा ये कहना कि नहीं जी फारूक अब्दुल्ला या उमर अब्दुल्ला, मैं उनके बारे में नहीं कोई टिप्पणी करना चाहता, लेकिन ये मैं ज़रूर कहूँगा कि वो ऐसे लोग थे जो जिन्होंने प्रमोट किया सेसेशनिज्म को, जिन्होंने सेसेशनिज्म के साथ जोड़ाव किया। और जहाँ तक सरकार का सवाल था, वो सॉफ्ट थी कश्मीर की लीडरशिप जो थी वो, अगर आप देखें तो पाकिस्तान की तरफ भी सॉफ्ट थी, और मिलिटेंसी को लड़ने के लिए जो विल चाहिए, जिस किस्म का सपोर्ट और बैकअप चाहिए टू दी सिक्योरिटी फोर्सेस, वो अवेलेबल नहीं था। और दिल्ली में जब सरकार बदली और मोदी जी की सरकार आई, गवर्नमेंट में विल थी। अब आप देख लीजिए कि जो फॉरेन फंडिंग आती थी थ्रू डिफरेंट कॉलर, उस पर भी अंकुश नहीं लगाएगी। अब मैं कई बातों पे बात नहीं करूंगा, लेकिन जो विल ऑफ दी गवर्नमेंट थी वो नहीं थी। आज एक स्ट्रांग गवर्नमेंट है, एक डिसाइसिव गवर्नमेंट है और क्लियर एजेंडा के साथ है, इसीलिए आज स्ट्रीट्स में अमन है, शांति है। और मैं ये समझता हूँ कि हर आदमी कश्मीर में चाहता होगा और चाहेगा, हमेशा चाहेगा कि अमन हो, शांति हो, रोज़मर्रा की उसकी ज़िंदगी बेहतर तरीके से चले, क्योंकि कौन चाहता है, और कोई भी माँ, ये मेरा बड़ा यकीन है, कोई माँ चाहती है कि मेरा बच्चा ताबूत में मेरे घर आए? नहीं चाहती, चाहे कोई भी माँ हो, चाहे वो किसी की भी माँ होगी, किसी भी मज़हब की हो, किसी भी ज़ात की हो, किसी भी बिरादरी की हो, किसी भी, कोई माँ नहीं चाहती। कौन चाहता है कि नौजवानों की लाशें आए? और 2009-2010 में आपने देखा लाशों का खिलवाड़ हुआ, मैं उस वक्त गवर्नमेंट में था, हेल्पलेस थी गवर्नमेंट। और मतलब मुझे इसमें कोई दो राय नहीं है कहने में कि दिल्ली का भी कोई कंट्रोल नहीं था। और फिर उसके बाद जब बुरहान वानी का हुआ, तो जब पीडीपी की भी गवर्नमेंट थी तो थी नहीं, क्योंकि विल ही नहीं थी। और आज विल है तो अमन है, शांति है। अब कई लोग कहते हैं नहीं जी ये साइलेंस ऑफ द ग्रेवयार्ड है, कौन सा ग्रेवयार्ड? देयर इज नो ग्रेवयार्ड, देयर इज टूरिज्म, देयर इज डेवलपमेंट, देयर इज इकोनॉमिकल रिसर्जेंस। मेरा ना ग्रेवयार्ड का तो वो था जब लाशें गिरती थी और बंद और पत्थर चलते थे और पैलेट गन से लोग, तो ये मेरा मतलब स्ट्रांग गवर्नमेंट है। आज पाकिस्तान को भी मालूम है कि दिल्ली में मोदी जी की सरकार है तो वो बिहेव कर रहे हैं। एक स्ट्रांग गवर्नमेंट चाहिए और जिससे कि अमन और शांति हो। आज भी अगर कश्मीर के लोग जो हैं उनको ये समझना चाहिए कि इमोशनल रिटोरिक में आने की कोई ज़रूरत नहीं है, उनको उनको चाहिए कि इस पीस जो पिछले 4-5 साल में आई उसको कंसोलिडेट करें, ताकि ये पीसफुल एटमॉस्फेयर बने। अगर पीस रहेगी तो सब कुछ होगा। मेरा सवाल ये था कि जैसे अगर आज सरकार, और ये जो डराने की सियासत है, ये जो डराते हैं कश्मीर के लीडर्स की, ये एक आदत है, वो डराते हैं, डराते हैं, फियर सिकॉसिस क्रिएट करते हैं कि नहीं जी ये होगा तो वो होगा, और बाद में फिर वो इलेक्शन में हमेशा बीजेपी का फियर सिकॉसिस क्रिएट करते हैं कि बीजेपी बीजेपी, और बाद में बीजेपी के घुटने टेकते हैं जाके, और बीजेपी को कहते हैं कि अब हमें यहाँ जिंदा रहने दो, और ये बिल्कुल डबल स्टैंडर्ड। मेरा एक सवाल, लोगों को गुमराह करते हैं। जब पीएसए किसी के ऊपर लगाया जाता है, वो एंटी एलिमेंट है, तो ये कहते हैं कि पीएसए सरकार, दिल्ली सरकार जो है लगा रही है, लेकिन इन्हीं की सरकारों में वो पीएसए लाया गया। एक दूसरा, ये जब भी कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट होती है यहाँ पर, रिलायंस के मार्ट्स खुलते हैं कुछ, तो ये कहते हैं कि बाहर से लोग आ गए। इन्हीं की गवर्नमेंट में ये लोग खुद ही इनॉग्रेशन करने जाते हैं, जब यहाँ पर वेव मॉल खुलता है, जब यहाँ पर वॉलमार्ट होता है, तो जब ये खुद इनॉग्रेशन करते हैं तब वो, मैं आपको बता दूँ जो, तो पीएसए का सवाल है, पीएसए शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब के ज़माने में लगा था, और शुरू में जब पीएसए को लाया गया था, वो शेख साहब ने लाया था, और वो पीएसए लाया गया, ये जो फॉरेस्ट के जो लोग थे उनकी, वो जो फॉरेस्ट में चोरी होती थी उसको रोकने के लिए, जो फॉरेस्ट
की कटिंग करते थे, इलीगल फेलिंग करते थे और उसका ट्रेड करते थे, उसको रोकने के लिए लाया गया। उसके बाद पीएसए को बार बार यूज़ किया गया और डिफरेंट गवर्नमेंट्स ने यूज़ किया और बड़ा किया, लेकिन बात यह थी कि जो ये कहना कि हम ये जितने हैं ना, इनके दो रूप हैं। एक है व्हेन नॉट इन गवर्नमेंट और एक है व्हेन इन गवर्नमेंट, दो और तीन इनके बयान है। एक बयान होगा दिल्ली में, एक कश्मीर में और एक जम्मू में, और इनके बंद दरवाजों में दिल्ली में जब ये बात करते हैं कुछ नेता, मैं अब सबका कहूँ अच्छा नहीं लगे, जो बड़े अपने आप को इस वक्त बड़े वो बनाते हैं ना कि हम कश्मीरियों के ना, इनको किसी का इंटरेस्ट नहीं, इनको ये किसी तरीके से सरकार बननी चाहिए, हम सरकार में बैठे, और जब ये सरकार में बैठते हैं तो फिर इनको लोगों का नहीं होता, उनको ये होता है कि किसी तरीके से इस पर टिके रहें कि भैया किसी तरीके अपना टेन्योर पूरा करो, फिर देखी जाएगी। और ये एक सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट भी है कुछ, जो जैसे राहुल गांधी जी में है, वो ये समझते हैं कि मैं तो पैदा हुआ प्रधानमंत्री बनने के लिए, आई एम बॉर्न टू बी द प्राइम मिनिस्टर, आई एम हेयर टू रूल द कंट्री। और वैसे ही कुछ हमारे यहाँ पे भी हैं लोग जो ये समझते हैं कि हम तो पैदा ही हुए हैं राज करने के लिए, तो वो सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट जो है वो उसमें फिर ये हो जाता है कि कई बार इसमें ये हो जाता है कि आपको अपना पर्सन जो है वो सारे इंटरेस्ट से ऊपर दिखता है। और वो उसमें तो कोई, अगर आप नेशनल कॉन्फ्रेंस देखें, पीडीपी देखें, तो उसमें तो कोई उसमें बड़ी क्लैरिटी है इस मामले में। आप देखिए, फारूक साहब भी हमेशा कहते हैं कि भैया दिल्ली जो भी हो उसके साथ चलो। और मुफ्ती साहब भी इलेक्शन 2002 की लड़ी, उन्होंने अलाउन को जनरल नसीब करे और वो भी बड़े एक काबिल नेता थे, लेकिन वो और बड़े समझदार नेता थे और बड़ी स्ट्रगल से वो भी निकले थे, और लेकिन उन्होंने भी इलेक्शन जब लड़ी तो उन्होंने कहा कि हम बीजेपी के खिलाफ, तो बाद में बीजेपी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी बीजेपी को गाली निकाली और फिर बीजेपी, और ये जो है अटानवी की रिपोर्ट जो थी वाजपेयी गवर्नमेंट ने जब रिजेक्ट कर दी तो बड़ा हंगामा हुआ, तो उसके बाद भी फारूक साहब बैठे रहे, मतलब कोई ऐसी बात नहीं है। और तो वो मतलब उसमें लिहाज बहुत है, मतलब कश्मीर की जो टॉप लीडरशिप है उस मामले में बड़े लिहाजदार हैं कि भैया सरकार मिल जाए तो किसी के साथ भी कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार है। इस वक्त थोड़ी सी परेशानी ये बन रही है कि मेरे हिसाब से, हो सकता है गलत हूँ, क्योंकि मेरी इंफॉर्मेशन जो है वो सिर्फ 2000 जब मैंने छोड़ी पार्टी तो तब तक ही है, तो 2020 तक ही है मेरे पास इंफॉर्मेशन, 21 तक, तो उस वक्त मतलब, और आज भी मुझे लगता है दिल्ली मौका दे तो ये लोग एक मिनट उस वक्त ये नहीं वो बात करेंगे कश्मीरी कौम कहाँ गई, ये लोगों को बेचारे कश्मीर के लोग शरीफ हैं और बड़े पॉलिटिकली वो हैं, उनको ये इमोशनली ब्लैकमेल करते हैं, और लेकिन आम कश्मीरी का भला इसी में है कि अमन हो, आम कश्मीरी का भला इसी में है कि बच्चों की पढ़ाई हो, नहीं अब आम कश्मीरी का बंद नहीं हो रहा, उनको काम मिल रहा है। आम कश्मीरी का ये है कि एक खूबसूरत जन्नत है जिसको, जिसके लोग जो है वो पैसे कमाएं और अपने रोजगार इज्जत से करें और इज्जत से रहें। अच्छा सर, एक तो ना वो जरूरी है क्यों, और उनको फिर इस रिटॉरिक में डालना कि 370 वापस आया, 370 कभी वापस नहीं आएगा, और सुप्रीम कोर्ट ने भी अब फैसला कर दिया है और 370 जो है वो उसको वो मिट गया है, अब उसकी कहानी, फिर अब 370 से आ गया स्टेट पे बात आ गई, स्टेट से फिर ये यूटी पे भी नौकरी करेंगे, फिर अगर यूटी पे नौकरी नहीं हुई तो वो ये है कि भैया मुझे दो तनख्वाह बढ़ाओ, अगर तनख्वाह नहीं बढ़ी तो यार जिस तनख्वाह पे नौकरी जरूर दे दो, नौकरी रखो, तो वो है, तो ऐसा कोई आइडियोलॉजी का चीज नहीं है, ये सारा पावर सेंट्रिक है। ऐसा आप कश्मीर के वो नेता ना सोचें कि ये पॉडकास्ट सारा उनके ऊपर है,
सर जब ट्रॉलिंग होती है आप किस तरह से लेते हो ट्रॉलिंग को? मतलब आपके कई मेरे साथ वो इंटरव्यू सबसे ज़्यादा हमारे ही शेयर होते हैं, तो अभी 370 वाला भी शेयर हो रहा था, वो आपका बड़ा ना वायरल हुआ था जो मेरा और आपका इंटरव्यू था जब आप NC में थे, आपको याद होगा कि बाहर से बड़े बड़े वो आ जाएंगे ये वो, तो आज भी वो चीज़ शेयर होती है, तो जब इस तरह की चीज़ें होती हैं मतलब एज ए ह्यूमन आप कैसे मतलब इस चीज़ को पब्लिक लाइफ में है ट्रॉलिंग का अगर आप देखें पैटर्न देखें तो वो उसमें ये होता है कि कई लोग बड़े एक्टिव हैं तो वो अच्छी तरह आपके खिलाफ ट्रॉल करते हैं, आपके मुखालफीन हैं, और चूंकि हमने कोई ऐसा सेटअप नहीं बनाया जो हमारे हक में चले, कुछ हमारे सियासी लोग हैं वो उन्होंने सेटअप बनाए हुए हैं जो जैसे ही आप उनका कोई इंटरव्यू चलाएंगे तो एकदम वो ग्रेट लीडर ये लीडर, लेकिन मैं इसको कभी टू बी ऑनेस्ट विद यू मैं इसको इतना सीरियसली इसलिए नहीं लेता कि लोगों के साथ कनेक्ट होना चाहिए। अब ये लोग के आते हैं इतने मिलियन मेरे वॉच हो गए, मैं इसमें यकीन नहीं करता क्योंकि वो यू नो आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट कि वो प्रॉप अप भी किए जा सकते हैं वीडियोस, लेकिन बात यह है कि लोगों में कनेक्ट होना चाहिए। मेरा एक ही है ये भी जो माध्यम है अपनी बात रखने के लिए लोगों, और ट्रॉल या किसी से आपका नहीं बनता, जो आपकी सोच है जो आप समझते हैं ठीक है और जो आप समझते हैं कि लोगों के भलाई की बात है उसको करिए, बिना डर के करिए, बिना खौफ के करिए, उसमें मुखालफत होती है या कुछ होता है वो नहीं, देश हित में जो बात होती है। मैं हमेशा ये कहता रहा, मुझसे एक बार मुझे याद है एक बार किसी ने मुझसे दिल्ली में कहा कि आप कश्मीर बेस्ड पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं तो अगर कल ये पार्टी पाकिस्तान की तरफ रुख करती है तो मैंने कहा मैं पहला आदमी होगा जो रिवोल्ट भी करेगा, बिकॉज दैट्स माई लाइन, नथिंग अगेंस्ट द नेशन, देर विल बी नो कॉम्प्रोमाइज। कैसे हो सकता है? तो मतलब कुछ चीज़ों पे आपका कॉम्प्रोमाइज नहीं, अब कोई आदमी आपको ट्रॉल करे कुछ करे उससे क्या फ़र्क पड़ता है? जो आपने बात कही अगर आपकी कन्विक्शन है और आप में उसमें सच्चाई है, आप समझते हैं, और आप लोग क्योंकि मेरे जैसा आदमी आशीष जी माफ़ी चाहता हूँ कि ना तो व्हाट्सएप पे खड़ा है ना ट्विटर पे खड़ा है ना खड़ा है इंस्टाग्राम में, मैं लोगों में हूँ और लोगों के साथ रहता हूँ, आप भी जानते हैं मेरी जो पब्लिक इंट्रैक्शन है, और लोगों के पास आप जाइए तो वहाँ ही पता लग जाता है, उनके चेहरों से आपको पता लगता है कि खुश हैं या नाराज़ हैं, और जो लोग आप आ रहे हैं आप उनकी सेवा करिए, काम करिए। लोग मंदिरों में घंटियाँ बजाते हैं, हम भी पूजा करते हैं, माता वैष्णो देवी के भगत हैं, सब कुछ हैं, लेकिन मैं समझता हूँ सियासत में अगर आदमी चाहे और लोगों के काम करे, लोक हित में काम करे, बिना लालच के करे, तो वो भी परमात्मा की आराधना के तरह, क्योंकि गरीब गुरबे की मदद अगर हो जाए तो वो लोगों में रहना चाहिए, लोगों में रहिए। ट्रॉल लोग सबसे ख़तरनाक वो चीज़ है जब आपका कनेक्ट लोगों के साथ नहीं है, सबसे ख़तरनाक चीज़ वो है जब आप सीजनल पॉलिटिशियन हैं, एक मौसम आया तो आप आ गए, इलेक्शन आई तो आजकल देखिए मैं हैरान होता हूँ जब इलेक्शन में देखता हूँ कि वो मेले की तरह कुछ लोग निकल के बाहर आ रहे हैं, बरसाती मेले, लेकिन बाकी लोग आराम से बैठते हैं। मोदी जी, अमित शाह जी और नड्डा जी और इस टीम ने, ख़ासतौर मोदी जी ने एक चीज़ तो बड़ी क्लियर कर दी कि पॉलिटिक्स जो है वो साइड किक नहीं है, इट्स अ 24/7 फोकस्ड काम करने का, और जो आदमी फोकस तरीके से 24/7 काम कर सकता है और जिसके जिसकी ये क्लैरिटी है कि मुझे लोक हित में और जन हित में और राष्ट्र हित में ही काम करना है, और वो डिवोशन के साथ करे, लोगों के साथ अपना कनेक्ट रखे, लोगों के दुख सुख में रहे, तो फिर उसको ना तो ट्रॉल की फिक्र होनी चाहिए ना प्रॉल की। उसमें गलती आपकी भी है ना सर, आप हर बार अपनी सीट्स बढ़ाते जा रहे हैं तो उससे क्या हो रहा है कि जो बरसाती मेंढक है उनको बस वही समय मिलता है, मतलब एक दो महीने का, जैसे अभी आप देख रहे हैं जब तक रिजल्ट नहीं आएगा ये मेंढक, तो बीजेपी का नहीं, आपकी सीट बढ़ती जा रही है ना, अब आपने 400 तो वहां पे सीट्स कम। अगर आप मोदी जी का काम करने का तरीका देखें या अमित शाह साहब का काम करने का तरीका देखें, बड़ी फोकस तरीके से काम करते हैं और बिल्कुल एक गोल है उनके सामने और पर्सनल इंटरेस्ट कोई नहीं है, मतलब अगर आप देखें उनका तरीका काम करने का, वो बड़ा फोकस तरीका है। रात को 3 बजे भी पार्लियामेंट हाउस पहुंच जाते हैं। कन्विक्शन है और मेहनत है और कोई और डिस्ट्रैक्शन नहीं है, ये नहीं है कि
एक दिन हॉलीडे करने गए, 15-20 दिन उसके बाद आए तो फिर 2-4 दिन फोटो खिंचाया, फिर गायब हो गए। और ज़्यादा पॉलिटिक्स ट्विटर या इंस्टाग्राम या फेसबुक पे चल रही है लोगों, ऐसा नहीं है। और कंटेम्प्रेरी पॉलिटिशियंस है, ऐसा नहीं है कि मोदी जी, अगर सोशल मीडिया उसमें भी मोदी जी हैं, मोदी जी की रीच है एज अ प्राइम मिनिस्टर, जितनी उनकी रीच है मुझे नहीं लगता किसी प्राइम मिनिस्टर ने हिंदुस्तान की हिस्ट्री में इतना कनेक्ट लोगों से बना, कनेक्ट हुआ। और मैं आपको बता रहा हूँ कि हर शख्स के साथ उनका कनेक्ट बनता है, वो एक बहुत बड़ी। आप तो बहुत बार मिले मोदी जी से, मैं देखता हूँ आपकी कई बार आप मिलते रहे, अभी आप जब हिमाचल का भी आपको पद बार मिला था बड़े, मतलब कुछ लगता है आपको कि मतलब एक प्राइम मिनिस्टर एक मतलब अलग से हैं कोई, मतलब लोग कहते हैं उनमें बड़ा तेज है अगर उनके साथ, बहुत तेज सच है, हर बार जब भी आप देखो तो एक तेज है उनमें। और दूसरा जी, मेरे सौभाग्य हुआ हिमाचल के दौरान 2 मीटिंग्स अटेंड करने का नेशनल एग्जीक्यूटिव की, वो नेशनल एग्जीक्यूटिव नहीं, वो पार्लियामेंट्री बोर्ड की, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी, बहुत कुछ सीखा फोकस तरीके से प्रधानमंत्री जी। और प्रधानमंत्री जी का नॉलेज जो है हर शख्स के बारे में, हर एरिया के बारे में, इतना ग्रास रूट उनका नॉलेज, इतनी अंडरस्टैंडिंग, इतना उनका फोकस तरीके से काम करना, मतलब और बड़े अटेंटिव। और ये माननीय अमित शाह जी का भी हुई, रात के 3 बजे भी अगर मीटिंग करेंगे तो बिल्कुल फोकस्ड और अटेंशन। और दूसरी बात यह है कि प्रधानमंत्री और गृहमंत्री बहुत बड़ी चीज़ होती है, प्रधानमंत्री जी का तो बहुत और गृहमंत्री जी का भी बड़ा कारोबार होता है, लेकिन फोकस आप नड्डा जी को देखिए। और भाजपा में सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि 24/7 भाजपा लगी हुई है काम कर, इलेक्शन मोड में, जैसे एक रेजिमेंटल सिस्टम है, आज एक टास्क खत्म हुआ नेक्स्ट टास्क पे, ये नहीं है कि वो टास्क खत्म हुआ था अब रेस्ट करो भाई महीना तो फिर आना ना, जैसे वो रेजिमेंटल तरीका होता है, एक काम खत्म हुआ अगला काम तैयार है, और 24 घंटे 7 दिन 365 दिन एक बड़े वेल ऑयल्ड मशीनरी के तहत। मैं तो कहता हूँ कि पॉलिटिकल जो कार्य प्रणाली है उसमें बदलाव आया है मोदी जी के आने के बाद, और भाजपा ने पिछले 10 साल में एक मिसाल कायम की है। आज पॉलिटिक्स जो है वो एक सीरियस बिजनेस है 24/7, और मैं समझता हूँ उसमें और मेहनत की ज़रूरत है, लोगों के साथ रहने की ज़रूरत है, वो जो चीज़ है वो बाकी पार्टीज में मिसिंग है। और वो इसलिए कहते हैं कि हम कम्पीट नहीं कर सकते, मोदी जी को गालियाँ निकालने से कुछ नहीं होगा, मोदी जी की जो सोच है आपको अंदाज़ा भी नहीं होगा, देखिए उन्होंने हर लेवल पे चीज़ें देखी हैं, वो रहे हैं, उनको मालूम है। अब माफ़ी चाहता हूँ कि राहुल गांधी जी को तो ग्राउंड का एहसास ही नहीं है, 55 साल की उम्र में वो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं ये कह के कि मैं भारत को समझना चाहता हूँ, 55 साल की उम्र में अगर वो समझना चाहते हैं, वो सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट के साथ हैं। कि मैं अक्सर कहता हूँ कि ये लोग पैदा होते हैं तो इनके कान में लोग कह देते हैं कि तुम तो प्रधानमंत्री पैसा हो गया, वो ये समझते हैं कि भाई देश जो है ये देश को करना ही, हमें बनाना ही प्रधानमंत्री, लेकिन वो चीज़ बदल गई है सर। आज एक आम आदमी जो है वो आम आदमी के साथ अपने आप, सर इतने बिजी रहते हैं आप, अपनी फैमिली को समय दे पाते हैं? आपके एक बेटे हैं और एक बेटी है, दो बेटियां एक बेटे, तो उनको समय देते हैं क्या? उनकी कोई कंप्लेंट तो नहीं रहती कि पापा? नहीं, देखिए कंप्लेंट तो नहीं है, लेकिन समय आदमी सियासत में परिवार के लिए समय नहीं रहता, तभी तो पब्लिक लाइफ होती है। लेकिन ये है कि मेरी अर्धांगिनी जो है वो एक बड़ा मुझे सपोर्ट सिस्टम है, जिन्होंने बच्चों का साथ रखा है, और बच्चे भी जो हैं वो माता वैष्णो देवी की कृपा से अपना अच्छा पढ़ लिख के काम कर रहे हैं, तो परमात्मा चला रहा है। वी आर अ क्लोज नेट फैमिली, मैं ये नहीं कहूँगा कि नहीं। फिर भी समय देते हैं कभी घूमने जाना हो फैमिली को? आज भी तो मेरी फैमिली जो है वो कॉन्फ्रेंस के लिए सब लोग गए हुए हैं, तो बाहर ही है तो मैं अकेला ही हुई हूँ। अच्छा। मतलब वो थोड़ा सा, क्योंकि पॉलिटिकल लाइफ में थोड़ा सा प्रायोरिटीज जो है वो शिफ्ट हो जाती है। अच्छा राणा साहब, आपकी क्या क्या हॉबीज हैं, क्या क्या पसंद है आपको? पढ़ना पसंद है, रीडिंग इज माय हॉबी। किताबें तो मुझे बहुत दिखती हैं आपके घर। नहीं, रीडिंग वो मेरा, मेरी फैमिली में मेरी वाइफ भी हैवी रीडिंग, मैं भी रीडिंग, बच्चे भी पढ़ाई, वो रीडिंग का हमारा बड़ा, और मेरा खास तौर पर हर एक अपना अपना फैमिली में शौक है क्या पढ़ना है, लेकिन मेरा ज़्यादा
बायोग्राफीज पे है और मैं बायोग्राफीज पढ़ता हूँ, लेकिन अब ये है कि पिछले 5-6 साल से वो मैं प्रेफर करता हूँ छोटी किताबें, क्योंकि बड़ी मोटी किताब हो उसका टाइम नहीं लगता पढ़ने का, तो लेकिन रात को बिना पढ़े मैं सोता नहीं, तो वो पढ़ाई का शौक शायद हमारे सारे परिवार में, मेरे फादर भी, मेरे मतलब चारों तरफ वो पढ़ाई का काफी, रीडिंग का काफी शौक है, काफी शौक है, तो वो बचपन में इनकलकेट हो गया हमें, उस मेरी वाइफ की साइड भी मेरे फादर इन लॉ भी बड़े लर्नड आदमी हैं, तो उनका भी पढ़ाई की तरफ बड़ा शौक है, तो पढ़ने का शौक हम सबको है और पढ़ाई करते हैं, पढ़ते हैं, और क्योंकि उससे नॉलेज रे का पता, और हम लोग वो किंडल शिंडल से किताब नहीं, जब तक तो किताब हाथ में ना आए, और अखबार जो है वो सुबह हाथ में ना हो तो वो लगता है इसने ये जो नेट शेट पे अखबार देखो तो तसल्ली नहीं होती, तो वो एक बात है, मतलब सर एक पढ़ाई का है शौक है हमारे ना, मतलब एक, और दूसरा ये है कि मैं खुद गाड़ी चलाता हूँ। हाँ वो आपको देखा है मैंने, हम हमेशा गाड़ी खुद ही चलाते हैं, मेरी गाड़ी जो है वो कोई 20 साल पुरानी है, ग्रैंड विटारा चलाता हूँ, ग्रैंड विटारा चलाता हूँ, खास प्यार ग्रैंड विटारा से, गाड़ी अच्छी है, और वो जब मैं उसको चलाता हूँ तो मुझे लगता है जैसे आई एम कंट्रोलिंग द सिचुएशन, और वो गाड़ी बहुत अच्छी है, जितनी वो टफ है इतनी गाड़ी कोई शायद टफ नहीं है, और वो सुजुकी की गाड़ी है, मैं तारीफ करूँगा तो लगेगा, लेकिन वो गाड़ी जो है वो इट कैन कम्पीट विद द बेस्ट ऑफ द बेस्ट मॉडर्न व्हीकल्स, बहुत अच्छी। सर किस दिन आपके साथ सैर करेंगे पक्का गाड़ी में, आपने शायद एक बार आपके साथ, तो सर खाने में क्या पसंद है आपको, कोई डोगरा डिश? खाने में तो बहुत कुछ पसंद था भैया, वो वजन भी कोई 178 किलो तक चला गया, वो भी आपने काफी रिड्यूस नहीं किया, रिड्यूस नहीं किया, उसके बाद मैंने बायरेट्रिक सर्जरी कराई तो मैं आ गया 115 किलो पे, उसके बाद फिर बढ़ गया तो 140 हो गया, तो बीच में एक कलपत्रा ऐसा हुआ कि वो सारा इधर पूरा ये मुंह पे भी सारा वो कलपत्रा हुआ और वो फट गया कलपत्रा, लेकिन उसके बाद वो 3 महीने वो मुंह सारा पक गया, तो वो लिक्विड डाइट 4 महीने और फ्लूइड डाइट, तो उससे वजन कम हो गया, लेकिन आई फील नाउ लाइटर एट 95, मतलब 95 kg इज अ गुड वेट, अभी वो कहते हैं 72 किलो करो, मैं क्या 72 वैसे ही डिक्लेयर कर दिया लोगों ने कि साहब ये तो बहुत बीमार है, ये है वो नहीं है। ये बड़े लोग तो मैंने कहा आज पूछ ही लेते हैं तो, कि मतलब जो लोग सोचते हैं कि बीमार हैं तो चलिए वो ठीक है, लेकिन अभी ये है कि वो खाना खाने के काबिल रहे आदमी तो बाकी बीमारी। क्या पसंद है अच्छी डिश, डोगरा डिश सबसे पसंद? डोगरी डिश मैं राजमा चावल, राजमा चावल, मिठे चावल, मदरा, अच्छा मादा मदरा खिलाई उड़ो, ये खिलाई उड़ो के ना क्या सी दाल टान दी दाल हो कुछ भी। एक दो बार मैंने आपको देखा नगरोटे में, आप नीचे बैठ के भी खा रहे थे पत्तल पे खाना, वो मुझे कोई परेशानी नहीं है, मतलब वो पसंद है आपको, मतलब पत्तल पे भी हाँ, और मैं पुराना खाने के मामले में मुझे वो नहीं है कि यही चीज़ होनी चाहिए, जो भी हो पुराना ट्रेडिशनल पसंद है, नहीं जो भी हो खाना खाने का क्या है। एक आखिरी सवाल करते हैं सर, वैसे ये सवाल से लोग हमें कॉमनल ना कहें, आपको लगता नहीं कभी J&K में एक हिंदू चीफ मिनिस्टर भी होना चाहिए? देखिए वो मतलब एक चर्चा का केंद्र भी बना था, एक आप ही के पुराने लीडर उन्होंने कहा था कि हिंदू CM होना चाहिए, बड़ा चर्चा बनी। देखिए ये कोई ज़रूरी नहीं है कि चीफ मिनिस्टर हिंदू हो या मुसलमान हो, ये फैसला लोगों ने करना है, और ये एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है, और जो भी आदमी काबिल हो, क्योंकि स्टेट एक डिफिकल्ट टाइम से निकल के आ रहा है तो, और एक पीस इस्टेब्लिश हो रहा है, डेवलपमेंट हो रही है, रिलीजन ऑफ द चीफ मिनिस्टर इज नॉट इम्पॉर्टेंट, व्हाट इज जो ज़रूरी है वो ये है कि एक गुड एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए, जो इस पीस को, जिसको दिल्ली ने बड़े मुश्किल हालात से इस्टेब्लिश किया, उस पीस को सस्टेन कर सके, और चीफ मिनिस्टर किसी भी रिलीजन का हो, किसी भी ज़ात का हो, क्योंकि अगर आप J&K को देखें तो आपस में लोगों का काफ़ी प्यार है, यहाँ हिंदू मुस्लिम कनेक्ट भी है, और इतना कॉम्युनल डिवाइड नहीं है, हालांकि
कई जगह से कोशिश होती है कि कम्युनल डिवाइड किया जाए और किया जाए, लेकिन आम तौर पे जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं, और क्योंकि जो हमारे कश्मीर के भी सियासतदान हैं उनकी एक प्रॉब्लम ये है कि वो अपने आप को कन्फाइन करते हैं टू ओनली कश्मीरी मुस्लिम्स, और मतलब वो हेजमनी बनाना चाहते हैं सिर्फ एक सेगमेंट के, और उसमें भी उस सेगमेंट के एलीट जो हैं वो बेनिफिट लेते हैं। आम कश्मीरी मुसलमान को भी फायदा नहीं होता, लेकिन वहाँ पहाड़ी मुसलमान भी हैं, गुज्जर मुसलमान भी हैं, तो ये मतलब बाजार तौर पे वो बात नहीं करेंगे, वो करेंगे वहाँ शियाज भी हैं, सुनीज भी हैं, तो बाजार तौर पे शायद बात ना करें, लेकिन इंटरनली कहीं ना कहीं उनका एक बड़ा सेक्टेरियन कम्युनल नहीं सेक्टेरियन अप्रोच विद इन मुस्लिम्स भी बन जाती है, और उस सेक्टेरियन अप्रोच के बाद उनका ये बन जाता है कि हमारी हेजमनी रहे। सिमिलरली जो हिंदू एरियाज हैं उनमें भी कुछ लोग हैं जो ये कोशिश करते हैं कि हिंदू जो है वो उसमें भी जो जातें हैं बरादरी हैं उनको आपस में तोड़ा जाए, और कोई जात के नाम पे मतलब वो करते हैं अंदर तोड़ते हैं कि नहीं जी ये है तो ये है ये गोत्र है, तो मैं ये समझता हूँ कि वो सारा जो है गलत है। हमें इस जम्मू कश्मीर में रिलीजन की पॉलिटिक्स पे नहीं डिपेंड करना, हमने लोगों के भले के लिए अमन के लिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर में अमन होना चाहिए शांति होनी चाहिए, और हम जियो स्ट्रेटजी के लिए हम एक ऐसी स्टेट है जो एक तरह से पाकिस्तान है जो हॉस्टाइल है, उधर से चाइना है, तो हमें जम्मू कश्मीर के लोगों को इकट्ठे रहना है, आपस में प्यार बना के रखना है, और जो भी आदमी लोग चुने, जमहूरियत है, जो भी चुने, हिंदू चुने मुसलमान चुने, चीफ मिनिस्टर वो होना चाहिए जो कि एक कॉम्पिटेंट एडमिनिस्ट्रेटर हो, और जो जो पीस है मैं बार बार ये कह रहा हूँ उसको सस्टेन कर सके जो इस्टेब्लिश हुई है, ताकि ये ना हो कि कोई ऐसा चीफ मिनिस्टर हो जो इस पीस के साथ खिलवाड़ कर जाए, और ये जो पीस बड़ी मुश्किल से मिली है 30 साल के इस अरसे के बाद, और जो डिवेलपमेंट और रिसर्जेंस का है वो रुकना नहीं चाहिए। एक ऐसा चीफ मिनिस्टर होना चाहिए जो लोक हित में काम करे, लोगों के भले की बात करे, और जिसका जिसका लोगों को जो नवस को समझ के काम करे। आज प्रधानमंत्री जी क्यों ऐसे नीतियां बना रहे हैं, क्योंकि उनको उन्होंने ग्रास रूट लेवल पे लोगों की दर्द को समझा है, जांचा है, और दर्द को पहचानते हैं, इसलिए वो नीतियां बनाते हैं जिससे जनहित का फायदा हो। और लास्टली चीफ मिनिस्टर वो आदमी बनना चाहिए जो आदमी अपना हित नहीं लोगों का हित पहले समझे, और मैं समझता हूँ कि बाकी ये जो डराने की सियासत है कि ये हो जाएगा वो जाएगा, गलत है। हर आदमी को कमिटेड होना चाहिए जम्मू कश्मीर के लोगों की बका के लिए, और जम्मू कश्मीर के लोगों की इज्जत और आबरू को बरकरार रखने के लिए। हम हिंदुस्तानी हैं, और हिंदुस्तान में जम्मू कश्मीर जो है वो एक मुकुट है, हम सबको कोशिश करनी चाहिए कि हमें भारत के इस मुकुट को एक चमकता नगीना बनाए। उसके जो प्रधानमंत्री जी इस वक्त जिस लक्ष्य के साथ लगे हुए, उस लक्ष्य को हमें मजबूत करना चाहिए। रिलीजन ऑफ द चीफ मिनिस्टर इज नॉट इम्पॉर्टेंट, कॉम्पिटेंस ऑफ द चीफ मिनिस्टर इज इम्पॉर्टेंट। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना कीमती समय दिया। आज हमने ना पॉडकास्ट में बात करनी थी देवेंद्र सिंह राणा जी से, हमारे इंटरव्यू तो आप कई सारे देखते हैं, पॉलिटिक्स के बारे में बात करते हैं, कश्मीर जम्मू दिल्ली, लेकिन मैंने सोचा कि आज आप देवेंद्र सिंह राणा जी का लाइफ का वो फेस भी जानें कि राणा साहब का एक बिजनेस भी है लोग जानते हैं, लेकिन कहाँ से काम शुरू किया। पिताजी चाहते थे एक एडवोकेट बनना, लेकिन सर ने सिविल इंजीनियर एज ए प्रोफेशन या फिर एज ए पढ़ाई के तौर पर चुना, लेकिन बाद में पॉलिटिक्स में आ गए। पॉलिटिक्स में कैसे आना हुआ, कुछ देर के लिए आए थे लेकिन उसके बाद इन्होंने कहा कि अब तो पॉलिटिक्स में ही रहना, पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस में थे अब भाजपा के साथ हैं। कई सारी बातें हमने की हैं, इंटरव्यू जरूर देखिएगा, और एज ए पर्सन देवेंद्र सिंह राणा जी के बारे में भी जानिए इस पॉडकास्ट में। राम